गुरु बरस के अंदर अगर डिस्प्ले फेड आ रही है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बिना डिस्प्ले को उतारे भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैक नहीं आ रहा है। मैं इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करके देख रहा हूँ, सेट ऑन, ये ऑन हो गया। बाकी डिस्प्ले इसकी लाइन सी आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। इसमें तो कोई डाटा की लाइन मिस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सोचिए, इसकी इस साइड से 3 नंबर पिन ग्राउंड है और 4 नंबर को चेक करके रेजिस्टेंस 462 आ रहा है। तो 5 नंबर पे चेक करते हैं, 4 नंबर पे चेक किया है 463 आ रहा है, 5 नंबर पर 624 आ रहा है। जिस साइड रेड प्रोब रखी हुई है उस साइड से आप गणना करोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर पिन है जिस पर 622 कुछ रीडिंग आई थी, ये रेटिंग अब नॉर्मल है क्योंकि दूसरे आप ट्रैक कोई भी चेक करोगे उसमें से 500 के अंदर में रीडिंग आएगी। दोबारा से चेक करते हैं, इसमें देखो 624 रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग डिस्प्ले की है, मदरबोर्ड के अंदर से इसमें ट्रैक नहीं आ रहा है। अभी इस साइड से 5 नंबर पिन पर मतलब रेजिस्टेंस नहीं रहा। पहले मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसका जो 5 नंबर ट्रैक है वो मैंने ट्रेस करने पर पाया है कि बैटरी कनेक्टर के नीचे कुछ कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, उन पर इधर से दूसरी साइड कनेक्ट है। इस साइड में मैंने चेक किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है और उस LCD की पिन तक नहीं जा रहा है। तो मतलब बीच में से कोई ट्रैक ओपन है तो अपन इसको यहीं से जंपर कर लेते हैं। जंपर आपको ढंग से दिख नहीं रहा है, मैं इसके अंदर इमेज डाल दूंगा, उसमें आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि कहां से जंपर उठाया हुआ है। बाकी आप वीडियो को देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स।